हेलो, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, हम हैं पदुम में। कल रात को हम आए थे पुणे से पदुम। आज एक सीन हो गया है, कल ही सीन हो गया था कि हमारा जो को राइडर है मिस्टर जोगिंदर, जिसको हम यशराज भी कहते हैं, तो उनका एक बैग जो टैंक बैग था वो खो गया है। जब हम पुणे से चले थे तो शायद उन्होंने वो साइड में पड़ा था पार्किंग में, जहाँ पे हमारी बाइक खड़ी थी, और वहाँ पे शायद वो पैक करना भूल गए। और यहाँ पे आके पता चला कि उनके पास एक टैंक बैग मिसिंग है। तो काफ़ी सोचा कि रास्ते में गिर गया, लेकिन वो हमारे से आगे राइड कर रहे थे तो पीछे हम थे, तो अगर गिरता तो वो हमें मिल जाता, क्योंकि मैं पीछे था, फिर उसके पीछे अमित यादव था, तो हम आगे पीछे थे और जोगिंदर भाई हमसे आगे था। उनके बैग में एप्पल की वॉच थी, क्रेडिट कार्ड हैं उनके, RC, उनका लाइसेंस, उनके बाइक के डॉक्यूमेंट सब कुछ है उसके अंदर, पैसे भी थे मोर देन 22K। उन्होंने रात को वॉच की लोकेशन देखी तो वो पुणे की दिखा रही थी। और फिर हमने सुबह होते ही, तो फिर हमने अमित यादव भाई को भेजा सुबह सुबह 6 बजे, और वहाँ से उन्होंने रिपोर्ट दी है कि वहाँ कोई बैग नहीं है, वो किसी ने या तो उठा लिया है क्या हुआ। और लोकेशन चेक करी सुबह तो लोकेशन भी नहीं मिल रही। तो ये मेरे पीछे है पुलिस स्टेशन, यहाँ का पदुम का पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे आए हैं रिपोर्ट लिखाने, ताकि आगे ट्रैवल करें तो कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इनके पास ना RC है, ना DL है, ना कोई भी बाइक के डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अब FIR कटवा रहे हैं, तो उसके बाद लेके फिर हम जाएंगे आगे। ले को है प्रोग्राम, पुणे गए हुए हैं हमारे यादव भाई, तो वहाँ से वापस आएंगे अभी 12-1 बजे तक, फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। 3 hours later. तो सीन ये है, 12:30 बज चुके हैं, अभी तक अमित भाई पहुँचे नहीं है, आने वाले हैं। मैं अभी अपने जो होटल है उसकी छत पे हूँ, तो चारों तरफ का व्यू देखिए पहले, ये बहुत ही खूबसूरत है यार। ये पूरे जंस्कार का ये पदुम है, ये एक तरह की कैपिटल है अपनी जंस्कार की, बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ पहाड़ है, बीच में ये घाटी है पदुम की। सामान तो मिला नहीं है वहाँ पे, FIR हमने कटा दी है पुलिस स्टेशन में, अब उसी के सहारे हम जाएंगे। अब भाई तो कह रहा है कंटिन्यू करते हैं, तो देखते हैं अमित भाई आते हैं, बात करते हैं आज का क्या सीन बनता है, तो उसी हिसाब से फिर हम चलेंगे। आज का तो सारा दिन वैसे ही किल हो गया हमारा, बैग के चक्कर में थोड़ा मूड भी ख़राब रहा, बट दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ, क्या कर सकते हैं। अब लकीर पिटने से तो कुछ होगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अभी 5 बज चुके हैं और अमित भाई 2:30 बजे आ गए थे पूर्णिया से, और फिर हमने अपना लंच वगैरह किया, यहाँ का लोकल थुपता और चाउमीन वगैरह ये खाई थी हमने, तो काफ़ी बढ़िया खाना लगा हमें। तो अब प्लान ये है, यहाँ एक दो सनी विलेज है, एक करसा मोनेस्ट्री है, तो ये हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अभी। और अमित भाई तो नहीं जा रहे, मैं और जोगिंदर भाई हम दोनों जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे। तो मैं बता देता हूँ आपको, पदुम में आके आसपास आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। पदुम के पास है फुतकल मोनेस्ट्री, जो हम पुणे में करके आए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे है यांगकुल मोनेस्ट्री, सनी लेक और सनी मोनेस्ट्री, जो अभी हम देखने जा रहे हैं अभी, और इसके बाद हम जाएंगे करसा मोनेस्ट्री। और जांगला पैलेस है, जो कि 30 किलोमीटर है, काफ़ी दूर है वो, और बार्डन गोम्पा, शीला विलेज, वाटरफॉल। तो ये चीज़ें यहाँ पर लोकल अट्रैक्ट है, आप यहाँ पे घूम सकते हैं। ये पूरी लिस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो गाइस, पदुम का पेट्रोल पंप है, ये मेन मार्केट से लगभग 2.5-3 किलोमीटर पे आपको पदुम का पेट्रोल पंप मिल जाएगा, एकमात्र पेट्रोल पंप है यहाँ पे, आप यहाँ पे पेट्रोल डलवा सकते हैं। तो अभी टैंक फुल करवा लेते हैं, क्योंकि कल काफी लंबा रास्ता है। अभी मेरी कैन में 5 लीटर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, जो कि मैंने टांडी से भरवाया था, टैंक फुल करवाया था और 5 लीटर एक्स्ट्रा लिया था। तो अभी भी मेरे पास 3 पॉइंट बाइक में बाकी हैं, इसका मतलब मेरे 100 किलोमीटर और चल सकती है और 5 लीटर एक्स्ट्रा है। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं सनी विलेज, और वहाँ पे लेक को एक्सप्लोर करेंगे, और एक मोनेस्ट्री शायद हम नहीं जाएंगे, क्योंकि समय कम है, हमने जाना है करसा मोनेस्ट्री, जो कि यहाँ से उल्टा पड़ेगी, तकरीबन 15 किलोमीटर और आगे पड़ेगी। तो देखते हैं अभी क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक अपना सनसेट पॉइंट है गोम्पा के ऊपर, तो वहाँ भी जाएंगे और सनसेट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। झूले यहाँ पे लेक है, कौन सी लेक है यहाँ पे जो लेक
हाँ होली लेक, सनी लेक, सनी लेक, ये 10 टन ये जो बंदा बैठा है ना। हाँ हाँ अंदर चला जाओ। और यहाँ का स्पेशलिटी क्या है, कहते सनी विलेज काफी अच्छा है, क्या है? बस वही लेक और गोम्पा है। अच्छा गोम्पा और लेक है। थैंक यू। ये है जी सनी लेक। तो गाइस अभी हम हैं सनी विलेज में, मेरे पीछे है सनी लेक, ये पीछे अभी चलते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये सनी लेक की खासियत है कि यहाँ पे जमीन के अंदर से पानी निकल रहा है। ये मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये नीचे से पानी निकल रहा है। तो इसकी लेक की यही खासियत है कि यहाँ पे जमीन की है अंदर से पानी निकलता है। तो एक छोटा सा लेक के ऊपर ब्रिज बनाया हुआ है, आयरन ब्रिज पार करने के लिए। और ये देखो कितनी तेजी से पानी बह रहा है और ये जमीन के अंदर से पानी निकल रहा है। चलते हैं अपने स्टैचू के पास। और ये स्टैचू है, ये मैंने वहाँ पे देखा था उड़ीसा में। आपने मेरे उड़ीसा के ब्लॉग नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखना, ऊपर लिंक आ रहा होगा पूरी प्लेलिस्ट का। तो गाइस ये जो लेक है ये ग्लेशियर से अटैच है, और ये ग्लेशियर का पानी है जो जमीन के अंदर से निकल रहा है। ये किसी पहाड़ से ना ज़मीन के अंदर आ रहा है और ये बहुत ही मतलब कि शुद्ध पानी है, काफ़ी पवित्र माना जाता है। और ये ब्रिज है, ये देखिए सामने ये लेक रिवर में जा रहा है ये सारा पानी। तो चलते हैं अभी वापसी। तो सनी विलेज और सनी लेक को हमने एक्सप्लोर कर लिया है, बहुत ही शानदार है। और अब हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट पे, जो कि बिल्कुल पदम सिटी के बिल्कुल पास में है, और उसके बाद जाएंगे करसा मोनेस्ट्री। और ये मेरे पीछे सनसेट होता है, ये देखिए सामने, और ये गया। तो गाइस अभी मैं आया था एक सनसेट पॉइंट पे, ये एक मेरे पीछे मोनेस्ट्री है, गोम्पा है, और वो पीछे सनसेट हो चुका है, अभी भी सनसेट हुआ है। और करसिया जो मोनेस्ट्री है वो पीछे सबसे ऊपर ऊंचाई पे वो है करसिया मोनेस्ट्री। यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर है, तो अभी वहाँ तक जाते जाते शायद अंधेरा हो जाएगा, देखते हैं। फिर भी एक बार आगे से मैं मोनेस्ट्री दिखा देता हूँ आपको और पूरा व्यू दिखा देता हूँ सिटी का। ये मेरे पीछे है जो पुरानी मोनेस्ट्री है, छोटी मोनेस्ट्री, और ये पीछे अभी न्यू कंस्ट्रक्शन बन रही है, और ये बिल्कुल सिटी के पास में है, बिल्कुल नज़र आती है। और ये पीछे ये रूट से आए थे हम पूरे से, बहुत ही शानदार है। अभी चलते हैं करसिया, 10 मिनट का रास्ता, देखते हैं ऊपर तक, ऊपर से व्यू बहुत अच्छा आता है। तो गाइस अभी मैं हूँ करसा मोनेस्ट्री में, ये पीछे देखिए मोनेस्ट्री इस समय बंद हो गई है और 8:15 बज चुके हैं, लेकिन रोशनी काफ़ी है। और पीछे का मैं व्यू दिखा दूँ, ये है पदुम विलेज, पीछे जो है बिल्कुल पदुम सिटी नज़र आ रही है। इससे पूरी घाटी का व्यू नज़र आता है करसा मोनेस्ट्री से, ये पूरी घाटी नज़र आ रही है, देखो ये मोनेस्ट्री है मेरे पीछे। और बाइक ऊपर तक आती है लेकिन मैंने गलती से थोड़ी सी नीचे उतार दी, तो 5 मंजिल मैं ऊपर पैदल चढ़ के आया हूँ। पहले हमने देखा था सनी विलेज, जिसमें एक लेक थी सनी लेक जो ग्लेशियर से निकल रही थी। दूसरा ये है करसा मोनेस्ट्री, और इससे पूरी वैली का व्यू, घाटी का व्यू नज़र आता है, बहुत ही शानदार।